बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट सौरभ पटेल के पिता का निधन हो गया। सौरभ के पिता बीमारी से संक्रमित थे। पिता के जाने से एक्टर सदमे में है। सौरभ ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए। इन फोटोज में उनके माता पिता नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कैप्शन में लिखा कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, शायद वो मेरे पापा कम और दोस्त ज्यादा थे। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कृपया अगर आप बिंदास घूम रहे हैं या आपके घर वाले कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज उन्हें मत जाने दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सौरभ ने आगे लिखा, ये वो टाइम है जिसमें पैसा ताकत कुछ भी काम नहीं आ रही है। मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते देखा है और मेरे पास सब कुछ था। सौरभ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर और सोर्स सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया। अनुरोध है कि घर पे रहें, अपनों के साथ जब ऐसा होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और इस वक्त मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने पिता को नहीं बल्कि दोस्त को खो दिया है। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं दुनिया में कुछ भी बन जाऊं, कुछ अच्छा कर लूं, पूरी दुनिया तारीफ कर ले, पर वो खुशी नहीं मिलेगी जितना मेरे पापा खुश होते थे। तब उन्हें देखकर मुझे वो खुशी मिलती थी, मैं वो खुशी बता नहीं सकता हूँ। इसके साथ ही सौरभ ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। पापा को लेकर मैंने भी कई अस्पताल के चक्कर लगाए। आप लोगों से अपील की कि घर में रहें। आपको बता दें बिग बॉस 12 भी चर्चित सीजन रह चुका है। इसकी वजह शो के कुछ झूठे राज थे जो कंटेस्टेंट से बुलवाए गए थे। जी हाँ, आपको अनूप जलोटा और जसलीन की जोड़ी तो अच्छी तरह से याद होगी जो उसी सीजन में कपल बनकर आए थे, लेकिन आउट होते ही पता चला था कि ये जोड़ी नहीं बल्कि गुरु शिष्य की जोड़ी है। सिर्फ TRP के लिए अनूप और जसलीन से भी ये झूठ बुलवाया गया था। वहीं जसलीन और अनूप के अलावा सौरभ पटेल से भी कुछ ऐसा ही झूठ बुलवाया गया था। सौरभ पटेल जो अपने आप को किसान बता रहे थे, वो तो दरअसल एक कास्टिंग डायरेक्टर निकले। उनका असली नाम भी सौरभ पटेल नहीं बल्कि साहिल पटेल था। सौरभ एक्टिंग के क्षेत्र में भी नाम कमाना चाहते हैं। वो रश्मि शर्मा और VAG फिल्म जैसे प्रोडक्शन हाउस में बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम कर चुके हैं। शो में शिवाशीष खुद मध्य प्रदेश का एक बिजनेसमैन बताते हैं, जबकि वो एक मॉडल और एक्टर हैं। जी हाँ, शिवाशीष ने मध्य प्रदेश में मॉडलिंग का काम किया। इसके बाद वो मुंबई पहुंचे और यहाँ TV शोज और फिल्मों के लिए उन्होंने कोशिश की। शिवाशीष को सीरियल संकट मोचन महाबली हनुमान में नल का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उनके अनऑफिशियल रवैये की वजह से शो के मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। फिलहाल तो सौरभ पटेल का कई सालों बाद नाम आया तो लोगों को उनका ये किस्सा भी याद आ गया। इस वक्त तो लोग सौरभ पटेल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और उनकी अपील का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सौरभ पटेल ने जो खोया है वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो लोगों को सतर्क और सावधान जरूर कर सकते हैं। इस महामारी काल में चारों तरफ लगातार एक के बाद एक बुरी खबरों ने देश की जनता को हैरान और परेशान कर दिया है। आम जनता से लेकर कई फिल्म इंडस्ट्री के स्लैब्स वायरस की चपेट में आ चुके हैं। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है। अब TV के मशहूर अभिनेता को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। TV शो अनुपमा में परितोष शाह का किरदार निभा रहे अभिनेता आशीष मल्होत्रा के पिता का निधन हो गया। इस बात की जानकारी अभिनेता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें अभिनेता ने बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। आशीष ने अपने पिता के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट भी लिखा। अगर हम बात करें आशीष मल्होत्रा के द्वारा शेयर की गई वीडियो की, जिसमें अभिनेता अपने पिता को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में उनके पिता की आंखें भी नम होती नजर आ रही हैं। आशीष मल्होत्रा ने नोट में लिखा, मेरे अनकंफर्टेबल चैंप, आपने भले ही मुझे बाहरी दुनिया में छोड़ दिया हो, लेकिन अंदर आप मेरे अभी भी बसे हैं, शायद पहले से कई ज्यादा पास हैं। हम दोनों का शरीर अलग जरूर हो गया, लेकिन हमारी आत्मा अब भी एक है। माफ कीजिए, मैं यहाँ स्वार्थी हो रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे पापा हो। आशीष मल्होत्रा के इस पोस्ट को देखकर कई स्लैब्स भी भावुक हो गए, उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशीष मल्होत्रा TV के मशहूर कलाकार हैं, जिन्होंने कई TV शोज में काम किया। इन दिनों आशीष मल्होत्रा TV शो अनुपमा में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने रूपाली गांगुली के बड़े बेटे का किरदार निभाया। आपको बता दें इस शो पर काफी टाइम से आफत टूटी हुई है। इससे पहले रूपाली गांगुली भी खतरनाक बीमारी की शिकार हो चुकी है। खैर, वो तो सही सलामत इलाज करा कर घर आ चुकी है और अब तो शूटिंग पर भी लौट रही है। रूपाली गांगुली का भी बहुत बुरा हाल हो गया था, उन्होंने भी अपने बेटे को लेकर भावुक पोस्ट लिखा था।
बीते दिनों अनुपमा सीरियल के सेट पर खतरनाक बीमारी का पूरी तरह कहर देखा गया था। शो के कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। इनमें शो में लीड रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, एक्ट्रेस आशीष मल्होत्रा और शो के प्रोड्यूसर राजन शाही जैसे नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद रूपाली काफी हताश नजर आई और उन्हें केवल भगवान का ही सहारा दिखा। रूपाली ने कई सारी फोटोज शेयर की। फोटोज के कैप्शन समझ आ रहे हैं कि रूपाली गांगुली बीमारी की वजह से कितनी डरी बैठी हैं, वो भगवान के सहारे बैठी हैं। रूपाली के हर एक पोस्ट में भगवान का जिक्र है। रूपाली ने लिखा, मैं इस हाल से गुजर जाऊंगी लेकिन बस भगवान साथ हो। रूपाली इन दिनों क्वारंटाइन में है और रूपाली ने इसी दौरान कई सारी फोटो शेयर कर अपना टाइम बिताया। वो एक फोटो शेयर करते लिखती है कि इन दिनों ताजी हवा, धूप में बाल सुखा रही हूँ, ना कि हेयर ड्राई से। फोटो में रूपाली ने हंसने की काफी कोशिश भी की लेकिन साफ पता चलता है कि वो काफी परेशान है। उनके चेहरे पर अलग ही उदासी नजर आ रही है। रूपाली ने बताया कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान नहीं हूं, बल्कि जब तक मेरे पति, बेटे और माँ की रिपोर्ट नहीं आ गई तब तक मैं एक एक पल को मुश्किल से काट रही थी। शुक्र है भगवान का जो उन्होंने मेरे परिवार को इस बीमारी से बचा लिया। उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। एक्ट्रेस ने बताया कि वो इस वक्त अपने मासूम बेटे से दूर रहकर बहुत दुखी है। काफी दिन से इस एक्ट्रेस ने अपने मासूम बेटे को गले नहीं लगाया, किस नहीं किया, प्यार दुलार नहीं किया। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने अपने बर्थडे के लिए बहुत कुछ प्लानिंग की थी। एक्ट्रेस ने बर्थडे को अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए 2 दिन की छुट्टी भी ली थी ताकि वो पूरा वक्त अपने पति, बेटे और माँ के साथ बिताएं, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था और एक्ट्रेस की बर्थडे प्लानिंग पर पानी फिर गया। एक्ट्रेस एक कमरे में ही बंद रही लेकिन एक्ट्रेस खुश भी दिखी कि उसका परिवार इस बीमारी से दूर है। एक्ट्रेस ने कहा कि मैं केक काटने के लिए बहुत दूर खड़ी रही और अपने बेटे और पति को दूर से ही देखती रही लेकिन उन्हें गले नहीं लगा पाई। एक्ट्रेस को ये दिन हमेशा याद रहेगा। वो इमोशनल भी हो गई, हिम्मत हारने लगी लेकिन फिर भी एक्ट्रेस को उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगी। अभी अभी देश को हिला देने वाली खबर फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है जिसके बाद लोग अपना आपा भी खो सकते हैं, क्योंकि अगर अभी भी आप नहीं माने तो इसके बाद कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हालात कुछ ऐसे है कि हर सुबह खतरनाक बीमारी की खबर से हो रही है। कई स्टार्स के बाद अक्षय कुमार और गोविंदा की कमर भी टाइट हो गई है। दोनों स्टार इस वक्त अस्पताल में इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और अब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने गोविंदा की बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुनीता ने कहा कि गोविंदा बिल्कुल ठीक थे और ना ही उन्हें इस बीमारी के कोई लक्षण महसूस हुए। अचानक से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा और वो वहीं इस बीमारी के शिकार हो गए। सुनीता ने बताया कि गोविंदा को बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, सर्दी जुकाम भी है। सुनीता को गोविंदा की हालत देखकर घबराहट भी हो रही है। सुनीता ने बताया कि कोलकाता में गोविंदा को बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा था और उसी भीड़ से वो बीमारी के शिकार हो गए। उनके पास बहुत से लोग सेल्फी लेने के लिए घुसे थे। कुछ लोगों को मना करने के बाद भी वो नहीं माने और गोविंदा इस बीमारी के शिकार हो गए।